नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश देसाई। आज हम आपको किसी जगह की नहीं बल्कि ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को दुनिया में उच्च स्तर पे लाकर खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में। प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 में भारत के श्रीनगर में हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। वे एक विख्यात रिसर्चर थे फील्ड ऑफ टर्बुलेंस एंड बाउंड्री लेयर्स में। उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स भी कहा जाता है। जी के मेनन के बाद वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे चेयरमैन बने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसरो को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक उन्नत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने में प्रोफेसर सतीश धवन का खास योगदान रहा है। 25 सितंबर 1920 में पैदा हुए सतीश धवन ने अपनी जिंदगी में कई उपलब्धियां हासिल की। बचपन से ही पढ़ने में तेज सतीश धवन की डिग्रियां शायद आपको गिनते गिनते चक्कर आ जाए। सतीश ने लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीए कंप्लीट किया, इंग्लिश लिटरेचर में एमए कंप्लीट किया। फिर इसके बाद अमेरिका के मिनियापोलिस में मिनेसोटा विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस किया, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की। अब आप ही सोच सकते हैं कि आज के जमाने में क्या किसी शख्स की तुलना प्रोफेसर सतीश धवन से करना क्या जायज है। धवन की उपलब्धियां ही उन्हें महान बनाती है। सतीश धवन ने एरोस्पेस साइंस के साथ ही देश को दूसरे सेक्टर में भी काफी कुछ दिया है। सुपरसोनिक फ्लाइट बनाने की प्रक्रिया में शॉक वेव स्टडी का खास योगदान होता है, इसे धवन ने अपने रिसर्च में बताया था। सतीश धवन के उपलब्धियों के कारण ही उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स कहा जाता है। सतीश धवन के वक्त देश उस दौर में था जब सुपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड जैसे तेज चलने वाले विमानों की जरूरत थी। अब उसके टेस्टिंग के लिए काल्पनिक माहौल जिसे सुपरसोनिक विंड टनल कहा जाता है उसकी जरूरत होती थी। इसका जन्म सतीश धवन को दिया गया था और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में पहला ऐसा टनल बनाकर दिखाया। साल 1972 में वे इसरो के तीसरे चेयरमैन बने। इस दौरान उन्होंने इनसेट, आईआरएस और पीएसएलवी के रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाली और देश को कई नायाब सैटेलाइट टेक्निक दिए। महज 42 साल के उम्र में वे देश के सबसे बड़े साइंस इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएस के डायरेक्टर बन गए। उन्होंने इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 1981 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 उनके मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का नाम सतीश धवन के ऊपर रखा गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।